पान समाज की ओर से पूर्णिया के तत्मा टोली कृष्ण मंदिर चौक परिसर में एक शोक सभा का आयोजन कर जदयू के प्रदेश महासचिव सह पूर्व एमएलसी रविंद्र तांती को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके चाहने वालों ने उनकी तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर एवं 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। गौरतलब है कि रविंद्र तांती समाज के वरिष्ठ नेता थे, जिनके अथक प्रयास के बाद ही तांती समाज को SC का दर्जा मिल पाया था, जिनकी मौत कोरोना संक्रमण के कारण 14 अगस्त को पटना एम्स में उपचार के दरमियान हो गई, जिनके निधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके निधन पर काफी गहरी संवेदना व्यक्त की है। पान समाज के लोगों ने इसे अपूर्णीय क्षति बताया है। हमारे समाज का बहुत अपूर्णीय क्षति हो गया, पूरे बिहार के लिए इतना बड़ा अपूर्णीय क्षति है। जो भी पान समाज जगह हुआ है जगह उन्होंने पूरे बिहार को घूम, पूरे बिहार में एक एक प्रखंड में गांव-गांव में घूम कर उन्होंने समाज को जगाने का काम किया। योगदान तो इतना बड़ा है कि उसका भरपाई करना असंभव है। साथी को पान में विलोपित जो किया है, यह देन रविंद्र कुमार तांती था। उन्होंने आयोग का अध्यक्ष था, पूरे प्रूफ के साथ कागजात के साथ हम लोग पान तांती लिखाते थे। पहले पान थे, पान अनुसूचित जाति में था, तांती जो था अनुसूचित इलेक्शन 1 में था, लेकिन हम लोगों को अनुसूचित का दर्जा नहीं मिलता था, जिसके कारण हम लोग इलेक्शन 1 का में रह करके पान का लाभ नहीं ले पाते थे। और हर जगह जगा करके रविंद्र कुमार तांती ने बैठक मीटिंग करके माननीय मुख्यमंत्री से पहले अपना पूरा डॉक्यूमेंट दे करके आयोग के अध्यक्ष से सिफारिश करके उन्होंने पद त्याग करके आयोग का अध्यक्ष से पद त्याग करके समाज में सरकार बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान, इतना बड़ा योगदान कि इस जाति में आज जो हम लोग कुछ अनुसूचित के तहत मिलने वाला है, मिल रहा है, उन्हीं के तत्व रविंद्र कुमार जो बिहार में आज पूर्वजों से जो मांग था हमारे जाति का आरक्षण कैसे मिलेगा, आज पूर्वज लड़ते लड़ते बहुत दिन बीत गया, लेकिन हमारे रविंद्र कुमार तांती अपने रीजन में और 5 वर्षों में पूरे बिहार को घूमकर सारे लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। और जब यह मुख्यमंत्री से वह गुजारिश किया, मैं तुरंत आपको इस्तीफा देने का काम करूंगा और हमारे जाति को आप आरक्षण देने का काम करें, मुख्यमंत्री ने कहने का काम किया उस मंच से कि आप अपना पूरा साक्ष पूर्व से दीजिए और वह पूरा साक्ष हेरिंग करके और अपना त्याग पत्र लेके जाइए और हम आपको आरक्षण देने का काम करेंगे। आज हमारे रविंद्र तांती पूरे बिहार का धरोहर था और गरीब का और जाति का मसीहा था। और जैसे लोग नरम दल से आज उसने इस जाति को सजाने का काम किया और आरक्षण देने का काम किया और शिक्षा और सारे लोगों को राजनीति में भागीदारी का प्रेरित करके सारे लोगों को जागरूक करने का काम किया, वही रविंद्र तांती आज हमारे बीच से गुजर गए। सोना पड़ रहा है, थाली बुझा रहा है और हमको यह बुझा नहीं रहा है कि हम उतना भरपाई कहां से कर पाऊँ जितना इसने त्याग दिया, बलिदान दिया। रविंद्र तांती हम सबों के बीच नहीं रहे, ये क्षति तो इतना बड़ा क्षति है कि पूरे बिहार में प्रत्येक घर का क्षति, पूरे बिहार के जितने हमारे तांती स्वजाति के लोग हैं वो आरक्षण के लिए इनके पूर्वज से 50 वर्षों से जब मांग चल रहा था, लड़ाई चल रहा था कि हमारे तांती जाति को आरक्षण दिया जाए, इसके लिए रविंद्र तांती उभरे। रविंद्र तांती को मैं 1998 से जानने का प्रयास किया, हम घूम कर पूरे बिहार के अपने तांती स्वजाति को जगाए, हर जिला में जगाए और अपने जात को एक मुकाम तक ले जाने का काम करने का कोशिश किए। अब कोशिश करते करते
इस जाति को आरक्षण में लाने का काम किए। एक दरभंगा के मधुबनी में एक सभा हुई थी, वहाँ पर एक मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, इन्होंने उसी मंच पर मुख्यमंत्री जी से मांग किए कि हमारे ताती जाति को आरक्षण का दर्जा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन उसी समय आश्वासन के लिए कि चलिए आपके कथनानुसार सारा पेपर देखने के बाद मैं यहीं से घोषणा करता हूं कि पूरे बिहार का ताती स्वजाति को पान में समायोजित कर दूंगा। यह काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कैबिनेट से पास करा करके पूरे बिहार के ताती जाति को पान में समाहित करा करके एक बहुत बड़ा देन दिए